संविधान निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? किस पद का नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री का नहीं है, ठीक है, प्रधानमंत्री का है आर्टिकल 75 में। ओके, उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था कौन सी करता है? तो राष्ट्रपति व्यवस्था को कमजोर करती है। वो उप प्रधानमंत्री क्या करती है? राष्ट्रपति राजनीतिक व्यवस्था को क्या करेगी? कमजोर कर देती है राजनीतिक व्यवस्था को। भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का क्या होता है? प्रतियोगी होता है, ठीक है। भारतीय परिस्थिति में उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का क्या होता है? प्रतियोगी होता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब तक 7 वो उप प्रधानमंत्री रहे हैं, जिसमें बाबू जगजीवन राम भी रहे हैं और चौधरी चरण सिंह भी रहे हैं। हाँ, अगर ये पूछता कि कौन प्रधानमंत्री के समय में 2 उप प्रधानमंत्री रहे, यानी दो दो गो रहा, तो चौधरी चरण सिंह रहा और बाबू जगजीवन राम रहा है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो दो उप प्रधानमंत्री रहा है? तो बताए थे जब मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 2 रहा है, बाबू जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। 1967 से 69 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री कौन कौन रहा है? बता दिए थे, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। ओके, 67 से 69 तक, 67 से 69। संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न से किसके समकक्ष होता है? अगर कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से देखे तो वो कैबिनेट का सदस्य होता है, मतलब कैबिनेट का मंत्री होता है। क्या होता है? कैबिनेट का मंत्री होता है। अब तक 7 वो उप प्रधानमंत्री रहा है, ठीक है। भारत के उप प्रधानमंत्री पद के बारे में कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है? संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद पर प्रावधान नहीं है और ना ही संवैधानिक मान्यता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है ये। हाँ, कैबिनेट के रूप में मान्यता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? उप प्रधानमंत्री नहीं रहा, बीवीटी जत्ती नहीं रहा, बाकी लाल किशन अडवाणी, चौधरी चरण सिंह, सरदार पटेल रहे हैं। तो इसमें मात्र 10 क्वेश्चन था। प्रमुख पदाधिकारी के उप प्रधानमंत्री पहले पार्ट में, पार्ट 2 चालू करते विपक्ष के नेता, ठीक है। क्या है? विपक्ष के नेता बनने के लिए कितनी % वोट चाहिए? लोकसभा विरोधी दल के नेता बनने के रूप में, यानी मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या से कितना % होना चाहिए? कुल 10% होना चाहिए, यानी लोकसभा में जितना भी सदस्य है उसका 10% होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता निम्नलिखित में से किसके समान सुविधा या मान्यता प्रदान की जाती है? तो कैबिनेट मंत्री के समान प्रदान की जाती है, यानी कैबिनेट मंत्री को जो सुविधा मिलेगी वही विपक्ष के नेता को मिलेगी। ओके, अब 10% बेस लाना है वोट कुल सदस्य का। लोकसभा में विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन है? राम सुभग सिंह। इसको आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। राम सुभग सिंह विरोधी दल के बोला है, तो रावण का विरोधी कौन था? राम भगवान। तो सु को हटाइएगा तो भग बन जाएगा, तो राम भगवान, ठीक है, राम भगवान बन जाएगा, ठीक है, विरोधी दल के नेता। राम सुभग सिंह रावण का विरोधी, राम भगवान, तो राम सुभग। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? विपक्ष का कोची में, तो राज्यसभा में, लोकसभा में बोलता तो राम सुभग बोलिएगा, ठीक है। राम जी सभा में बोलिएगा तो कमलापति त्रिपाठी जी प्रथम नेता था विपक्ष के राज्यसभा में। कमलापति, कमल से याद रखिएगा बीजेपी का, तो कमलापति विपक्ष में कौन था? विपक्ष में तो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं ना, ये विपक्ष में, उसी प्रकार कमल से कमला याद रखिएगा, कमलापति त्रिपाठी राज्यसभा में विपक्ष के नेता। ओके, किस व्यक्ति को, हाँ ये भी बता देते, राज्यसभा में
एक ही ऐसा प्रधानमंत्री था जो राज्यसभा का सदस्य था, वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ओके, व्यक्ति को सर्वप्रथम 1977 में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता मिल लेता था। कैबिनेट मंत्री के समान ही वेतन आदि दिया गया, तो किसके समय में दिया गया था? तो वाई वी चौहान के समय में दिया गया था। ओके, कौन सा किस में दिया गया था? वाई वी चौहान के समय में तनख्वाह इक्वल कर दिया था, कैबिनेट मंत्री और मंत्री के समान कर दिया था विपक्षी दल का तनख्वाह। विपक्षी दल के जो नेता था और कैबिनेट मंत्री का जो तनख्वाह था, दोनों को समान कर दिया था अब 1977 में। ओके, 1977 में, 67 से 69 के बीच में दो उप प्रधानमंत्री रहा है मोरारजी देसाई के समय में। अब वेतन समान हुआ था वाई वी चौहान के समय में, इसको आसानी से याद कर सकते हैं पेटीएम से। पेटीएम में वाई होता है, ठीक है, पेटीएम में वाई होता है तो, और साथ ही साथ बी होता है, पेटीएम पेमेंट बैंक है ना, बैंक। वाई वी चौहान याद रखिएगा। कौन लोकसभा में विरोधी दल के नेता पद पर कभी नहीं रहा है? मनमोहन सिंह नहीं रहा है। ओके, भारत की शेरनी किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी को। लोकसभा का अध्यक्ष कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य करता है। ये पार्ट 3 चालू हो रहा है लोकसभा का, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? चलिए पार्टी 3 चालू करते हैं। विशेष पदाधिकारी से संबंधित, ठीक है, प्रमुख पदाधिकारी के एक ही सिलेक्शन है। लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है कैसे? तो लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन। ओके, इसको शपथ लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, असाधारण बहुमत द्वारा चुने जाते हैं, असाधारण बहुमत द्वारा हटाया भी जा सकता है स्पीकर को। ओके, लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। प्रोटेम स्पीकर कौन चुनेगा? प्रेसिडेंट। ओके, ये आया था बीपीएससी में 99 में भी, इस बार भी आया था 23-24 में। अस्थायी प्रोटेम स्पीकर कौन चुनता है? प्रेसिडेंट चुनता है, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष किस रूप में शपथ लेता है? लोकसभा के आम सदस्य के रूप में लेता है, ठीक है। आम सदस्य यानी शपथ लेने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो आम सदस्य के ही रूप में रहता है। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और प्रेसिडेंट को मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, मुख्य न्यायाधीश को प्रेसिडेंट दिलाएगा और लोकसभा अध्यक्ष नहीं करेगा, ठीक है ना। लोकसभा कब पद खाली होता है? जब चुनाव खत्म हो जाता है तब। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करेगी। जो सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते किसके? सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। पार्लियामेंट को लोकसभा का चुनाव करना हो तब। लोकसभा का अध्यक्ष पद कब खाली करता है? अगली लोकसभा के गठन के बाद। पद कब खाली हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष का? जब अगला चुनाव हो जाएगा ना, तब, यानी लोकसभा के गठन के बाद ही हो जाएगा, सिर्फ चुनाव नहीं, लोकसभा के गठन हो जाएगा तब। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। ओके, लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? साधारण बहुमत द्वारा हटा सकते हैं। ओके, लोकसभा के अध्यक्ष को प्रति महीने वेतन है 1,25,000, ये चेंज भी करते रहता है। लोकसभा के संबंध में कौन सा कथन सही है? यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को दे सकता है। बिल्कुल सही है।
और उसे कभी भी हटा सकते, जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट चाहे, यही अटॉर्नी जनरल का कहता तब बोल सकते थे, ठीक है, फाइनेंस कमीशन के हेड को बोल सकते थे, यूपीएससी के बोल सकते थे, प्रेसिडेंट चाहे तो रह सकता है, राज्यपाल भी कह सकते हैं। यदि निर्वाचन के समय सदन का सदस्य नहीं है तो वो 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बन सकता है? जी नहीं, संसद का सदस्य ही रहेगा तभी तो वो लोकसभा अध्यक्ष बनेगा, ठीक है, पहले नहीं। सामान्य अवधि के पूर्व सदन को भंग किया जाए तो वो अपना पद छोड़ देता है, नहीं छोड़ता है, ठीक है, अगर भंग भी हो जाए लोकसभा अध्यक्ष ना लोकसभा तब भी वो सदस्य बने रहेंगे आदि। ओके, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा के अध्यक्ष को है, लोकसभा के निर्णायक मत देने का अधिकार अध्यक्ष को है। और राज्यसभा के प्रवक्ता कौन कहलाते हैं? प्रेसिडेंट कहलाते, उप वाइस प्रेसिडेंट कहलाते हैं, ठीक है। क्या केवल टाई रहने पर ही वोट देने का अधिकार है? लोकसभा के अध्यक्ष जो होता है वो क्या करता है? टाई रहने पर ही वोट दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होते हैं तो सदन के बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं होंगे तो कौन चुनते हैं? तो वो चुनेगा चेयरमैन जो होगा ना, चेयरपर्सन, वो सब चुनेगा। मतलब ये क्या है ना, हमें चेयरपर्सन के पैनल के प्रथम सदस्य चेयरपर्सन के सदन के द्वारा अनुमोदित जो होता है चेयरपर्सन, उसके द्वारा पैनल से प्रथम सदस्य चुनने क्या करेंगे, बैठक की अध्यक्षता करेगा। सदन द्वारा जो अनुमोदित होता है चेयरपर्सन, उसके पैनल होता है, और पैनल का प्रथम सदस्य करेगा लोकसभा उपाध्यक्ष के नहीं रहने पर अध्यक्षता। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन होते किसके होते हैं? सचिवालय तो लोकसभा अध्यक्ष के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन होते हैं, प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन होते हैं लोकसभा अध्यक्ष के, लोकसभा सचिवालय, ठीक है। भारत में संयुक्त संसदीय सत्रों की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त का लोकसभा अध्यक्ष सत्रों की अध्यक्षता करेगा, बुलाएगा प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर को भी बुलाएगा, मतलब लाता है कौन? प्रेसिडेंट। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? केवल केवल लोकसभा करेगा, ठीक है, धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करेगा। ऑथेंटिकेशन की कौन देता है भाई? तो यही है, लोकसभा अध्यक्ष देगा धन विधेयक। किस समिति के पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? नियम समिति जो होती है, नियम समिति के अध्यक्ष होते हैं कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। ओके, नियम समिति जो होती है उसके अध्यक्ष होते कौन? लोकसभा अध्यक्ष है। इसमें थोड़ा मिटा हुआ मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। लोकसभा में गणपूर्ति यानी कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? सदन को स्थगन भी कर सकता है और सदन को निलंबन भी कर सकता है, सदन को निलंबन भी कर सकता है, सदन को स्थगन भी कर सकता है, कोरम अगर पूरा नहीं होता है तब। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष करता है। ओके, कौन करेगा? अध्यक्ष करती है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? लोकसभा के अध्यक्ष को है। निर्णायक मत कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है। किसी भी बिल आता है तब अमेंडमेंट अगर आएगा कॉन्स्टिट्यूशन का तो नहीं, किसी विधेयक पर अमेंडमेंट का जब हो जाएगा टक्कर वाला, तो वो भी शायद 2/3 बहुमत से होता है। इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक फाइनेंशियल बिल है कि नहीं है? या लोकसभा का स्पीकर करेगा। कौन करेगा? लोकसभा का
स्पीकर करेगा। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। धन विधेयक है कि नहीं? लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के नियंत्रण में कार्य करता है? लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करेगा लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के एवं नियंत्रण में कार्य करता है। कि कौन सा लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों में नहीं है? लोकसभा के अधिकारों में नहीं आती है वाद विवाद, मतलब ये जो होती है ना वाद विवाद और मतदान में भाग लेना, ये नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष भाग में नहीं लेता वाद विवाद में या नहीं मतदान में, टाई रहने पर तब लेता है। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। ठीक है, इलेक्टेड होते हैं ना कि सेलेक्टेड। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? साधारण बहुमत द्वारा हटा सकते हैं। लोकसभा के सभी बहुमत से पारित करके हटा सकते हैं। साधारण बहुमत मतलब बहुमत से दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट बुलाता है। ओके, और अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जी वी मामलंकर। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी थे। कौन? गणेश वासुदेव मावलंकर। ओके, लोकसभा के पहले अध्यक्ष क्या है? या स्वतंत्र वोट डाल दे भारत के, तभी गणेश वासुदेव मावलंकर हो गए। ओके यार, किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला था, मतलब प्रेसिडेंट बनने से पहले? नीलम संजीव रेड्डी जो था ये लोकसभा का अध्यक्ष था, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बनता है। ओके, नीलम संजीव रेड्डी प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो जी वी मावलंकर ही थे। इन्हीं के खिलाफ सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव आया था, फादर भी यही कहलाते हैं लोकसभा के। ठीक है, पास नहीं हुआ तो बात की बात है, लेकिन लाया गया था इन्हीं के खिलाफ, जी वी मावलंकर के खिलाफ। इनमें देखिए, इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा मिटा हुआ, ये पढ़ के मैं बता दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा आप। कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर दो बार अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुआ है? तो दो बार नहीं हुआ तो बलिराम भगत हुआ है। ठीक है, अध्यक्ष दो बार नहीं बना, कौन? बलिराम भगत। बाकी दो दो बार कौन कौन बना है? बाल योगी, संजीवा रेड्डी और जाखर। ठीक है, बाल योगी, संजीवा रेड्डी, एन संजीवा रेड्डी दो बार चुनाया है और बलराम जाखर। ओके, धाकर नहीं, जाखर, बलराम जाखर दो बार, बाल योगी भी। ओके, ये भी दो बार चुनाया है। आप इससे रामदेव जी का एक दोस्त है ना बाली योगी, उससे आप रिलेटेड करके याद कर सकते हैं। और संजीवा रेड्डी लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं। कौन? जी वी मावलंकर। ब्रिटिश परंपरा के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? नीलम संजीवा रेड्डी। ये ब्रिटिश परंपरा के अनुरूप क्या किया था? लोकसभा के अध्यक्ष जब बने थे तो उसके उससे पहले क्या कर लिए थे? अपने पॉलिटिकल अपना पार्टी का सदस्यता त्याग लिए थे। ओके, अभी तो चुनाव होता है तो फिर से वो चुना जाता है ना, लेकिन ये क्या कर लिए थे? त्याग दिए थे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सैनम आयंगर। अनंत सैनम आयंगर थे। ठीक है, अनंत सैनम आयंगर लोकसभा के, लोकसभा में ल देख रहे जो तीन की तरह लिखाता है और अ भी तीन की तरह लिखाता है। ठीक है, अनंत सैनम याद रखिएगा, अनंत सैनम लोकसभा के आयंगर। कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं? नहीं रहे, बलिराम भगत एक बार रहा है। ओके, जी एस ढिल्लो भी रहा है, हुकुम सिंह भी रहा है। कौन लोकसभा के अध्यक्षों में किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? सबसे लंबा रहा है किसका? बलराम जाखर का। इसका जो कार्यकाल रहा सबसे लंबा रहा है बलराम जाखर का। बलिराम भगत एक ही बार बना है। नीलम संजीव रेड्डी दो बार। ठीक है, बलराम जाखर भी दो बार। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? बाल योगी। ओके, ये भी दो बार बने थे लोकसभा के अध्यक्ष, और ये अपने पद पर रहते ही लटक गए थे, मतलब लटकने का मतलब है कि डेट कर गए थे, सॉरी ये शब्द को यूज करने के लिए। ओके, अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे बाल योगी।
और अनंत सैनम अयंगर जो थे ये क्या थे? लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। ओके, लोकसभा के प्रथम अनंत सैनम और अयंगर जो है उपाध्यक्ष थे। यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो इस स्थिति में क्या इसे निर्णय लिया जाता है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं इस स्थिति में निर्णायक मत देता है। लोकसभा का अध्यक्ष सदन में विधेयक या संकल्प पारित होने की प्रक्रिया के दौरान क्या मतदान करता है? किसी प्रश्न पर पक्ष या विपक्ष में समान मत होती है उस स्थिति में निर्णायक मत करता है। अगर कोई बिल है उसमें कोई विवाद है संकल्प पारित होने की प्रक्रिया में मतदान करेगा, लेकिन निकब जब निर्णायक मत देना हो तब बराबर रहने पर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा याद रखिएगा सभापतियों की एक नामावली तैयार की जाती है, यानी लिस्ट तैयार किया जाता है। उसमें कितने व्यक्ति होते हैं? 6। अध्यक्ष चुनता है 6 व्यक्ति को सभापतित्व के लिए। भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की निम्न में से किसके समान है? इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन के समान है। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के समान है। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? विपक्ष के नेता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दी जाती है, ना कि चुनाव आयोग के द्वारा। विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है, ना कि राष्ट्रपति या ना ही चुनाव आयोग। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव होता है। ओके, लोकसभा महासचिव होगा। राष्ट्रमंडल जो अध्यक्ष होता है उसके सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो लोकसभा महासचिव होता है। लोकसभा अध्यक्ष नहीं बल्कि लोकसभा महासचिव होता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा, इसमें महासचिव, इसमें भी महासचिव है। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का महासचिव पदेन महासचिव। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको भेज सकता है? उपाध्यक्ष को भेजता है। ठीक है, उपाध्यक्ष को भेजेगा अपना लेटर। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मामलेंकर, गणेश वासुदेव मामलेंकर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय केवल लोकसभा अध्यक्ष ही निर्णय लेगा। लोकसभा में पारित ही किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से भी हटाया जा सकता है, हाँ, साधारण बहुमत द्वारा, यदि लोकसभा को असह्य प्रस्ताव पारित कर दे तब। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है कैसे? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा के अध्यक्ष ही प्रमाणित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ही नियम समिति के भी हेड होते हैं, नियम समिति के। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोनों सदन की संयुक्त बैठक 108 के अंतर्गत में कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं इसका निर्णय अंतिम रूप से कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। प्रेसिडेंट से पूछ करके लाया जाता है बिल। लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है? लोकसभा अध्यक्ष जो होता है ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। जी नहीं, राष्ट्रपति द्वारा 12 को मनोनीत होते हैं, 2 को एंग्लो इंडियन जो कि अभी हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? जी नहीं, ये संसद के द्वारा सदस्य द्वारा चुने जाते हैं बहुमत के आधार पर। उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? जी नहीं, उपराष्ट्रपति किसी को मनोनीत नहीं करता है। 57 ही क्वेश्चन था इसमें, लोकसभा का पार्ट 4 पार्ट 5 एक साथ ही लाऊंगा। ठीक है, तो चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।